थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पर 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यार मुझे पता है आप सभी के ऐसे ही सपोर्ट करते करते आप मेरे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर भी बहुत जल्द करवा दोगे। तो गाइस आप सभी का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए गाइस आज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्या सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड मॉडल जो है गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एंड जो मॉडल है गाइस आप सभी को उसका जो एक हैंड है वो गाइस इस हट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी कुछ स्टेप्स लगा लेना है एंड इसका साइज थोड़ा कुछ स्टेप्स रख लेना। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को आगे करना है कि आप सभी को यहाँ से चले जाना है रिजल्ट रूम में। एंड यहाँ से गाइस आप सभी को जो इसका जो दूसरे वाला हैंड है जो हर्ट के अंदर जा रहा है उसको आप सभी को हल्का हल्का आगे से इरेज कर लेना, क्योंकि यार जो हैंड है हमें इसको हर्ट के अंदर घुसाना है, ठीक है। तो कुछ स्टेप से मैं हर्ट इसको कम कर लूँगा एंड यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा नीचे से इरेज कर लेंगे। एंड आप सभी को कुछ स्टेप से इरेज कर लेना है। एंड ये दिखाना चाहिए कि मतलब कि ये हर्ट के अंदर है हमारा दूसरे वाला, ठीक है। कुछ स्टेप से कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फ्री करना है, आप सभी को यहाँ से फिर इसका डन करना है। एंड इसके बाद यहाँ से क्या कर देना है, आपको अभी डन नहीं करना है। आप सभी को यहाँ से ऐड फोटोज जाके एक शेडो का पीएनजी ले लेना है, ठीक है। इसको अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगा। तो आपको शेडो का पीएनजी ले लेना है। एंड इसको आपको गाइस कुछ इस टाइप से आपके दोनों पैरों के पास एक एक डुप्लीकेट करके लगा लेना है, ठीक है। तो ऐसे हम फटाफट कर लेते हैं। सो गाइस कुछ इस टाइप से आपको शेडो लगाने के बाद आप सभी को फ्री गाइस करना है। आप सभी को सिंपली यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको ऊपर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को आगे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से टूल्स में जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस अभी हमें कुछ पीएनजी और लगाने हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं पहले। एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश करेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर देंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। एंड अब हम पूरी बॉडी को ऊपर एक कुछ इस टाइप से डोजन बन करेंगे, वाइट इफेक्ट देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का है तो हमें वाइट इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिसका रिफ्लेक्शन दिखाना है तो उसके लिए वाइट इफेक्ट डालना बहुत जरूरी है। तो उसके जो है हम एक्सपोजर है इसका जो ब्राइटनेस इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पर डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस जाएंगे ऐसे मैट फोटो में, यहाँ से एक पीएनजी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस इस पीएनजी का लिंक भी आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से एंड ऐसे लगा देना है, ठीक है। एंड ऐसे कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर इस फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको ओपन कर लेना आपको अपने लाइट रूम ऐप में। एंड गाइस हमारी फोटो जो लाइट रूम ऐप में ओपन हो चुकी है, आप इस पर लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा देंगे, जो इसका हाईलाइट इसको कम कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, वाइट को बढ़ा देंगे, ब्लैक को बढ़ा देंगे। एंड जाएंगे ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को हल्का सा माइनस कर देंगे यहाँ पे। एंड जाएंगे कलर्स मिक्स में, एंड ऐसे ऑरेंज कलर को लेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद येलो कलर को लेंगे, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे। एंड ब्लू कलर इसका सैचुरेशन भी माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम पर्पल कलर लेंगे, इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देंगे, डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में वीकनेट है वो डालना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस नोड डायरेक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसका जो कलर नोड डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10K सब्सक्राइबर भी इसी मंथ में करना था, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।